इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में पिछले 72 घंटों में एक के बाद एक 5 मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई, जबकि कई बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। वहीं मंगलवार देर रात कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व तुलसीराम सिलावट बच्चों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इंदौर में एक के बाद एक मासूम अनाथ 5 बच्चों की मौत की वजह अब भी रहस्यमय बनी हुई है। संदिग्ध रूप से फूड पॉइजनिंग भी मौत का कारण होना बताया जा रहा। व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर भी बच्चों की मौत की वजह को लेकर संशय में है। यही वजह है कि इस मामले में गठित जांच दल ने युग पुरुष धाम से बच्चों को खिलाए जाने वाले भोजन पानी आदि के सैंपल जाँच के लिए भेजे है। वही मंगलवार की देर शाम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बच्चों के उपचार को प्रथम प्राथमिकता बताया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना कैसे हो गई है इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पानी और खाने की व्यवस्था आश्रम में बाहर से की गई है और फूड और पानी के सैंपल लेकर जांच कराई जा रही। वही कलेक्टर आशीष सह ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य में अब तेजी से सुधार हो रहा है और डॉक्टरों द्वारा सतत बच्चों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, सभी मानसिक रूप से अविकसित वो विकलांग बच्चे हैं, इनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है और इस संस्थान ने पूरे मध्य प्रदेश के अनाथ आश्रम के बच्चों को ये लेती है। अकेली संस्था है ये, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, पर ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों की जांच की जा रही है। अभी डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई है, अधिकांश डायरिया के कारण हुए। इस मौसम में बच्चों को डायरिया काफ़ी हो जाता है, तो वहाँ पर पानी का सैंपल लिया, इनके फूड का सैंपल लिया और अभी पानी और फूड उनका बाहर से ला रहे हैं। साथ ही वहाँ डॉक्टर्स की टीम है और हम इसको, इस पूरे संस्थान को पूरा फोकस करते हुए हम इसका एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को रखना ये एक चैलेंज होता है और बहुत डिवोटेड लोग लगते हैं। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने MSW जब कर रहा था तो 6 महीने इन स्कूलों में मैंने काम किया है, इसी पे मैंने अपनी थीसिस लिखी थी। मुझे मालूम है कि इनको संभालने वाले लोग नहीं मिलते, पर वहाँ पर बहुत डिवोटी लोग हैं जो इनको संभालते हैं। जो जो कमी होगी हम उसकी दूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और माननीय सिलावट जी को यहाँ पर भेजा है। हमने कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को निर्देश दिए हैं कि इस संस्था का पूरा मास्टर प्लान बना दीजिए और सरकार से जो होगा बाकी CSR से वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट कर देंगे। इनके रहने की जो व्यवस्था उसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और फूड क्वालिटी भी थोड़ी सी अपग्रेड करेंगे, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए, अभी बच्चे स्वस्थ हो जाएं इसकी हमें चिंता है और इसलिए इस सब बातों पर बाद में विचार करेंगे, पर उस संस्था को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और हम करेंगे उसको। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या और भी दूसरे वार्ड भी बनाए गए हैं क्या? हाँ, बनाए, एक वार्ड पूरा और खाली है अभी। यदि ऐसी कुछ लगा तो पहली बात तो डॉक्टरों की वहाँ पर टीम है, वहाँ पर भी रात भर टीम रहेगी। अभी भी हम वहीं जा रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर रहेगी और रात भर हम वाच करेंगे वहाँ पर। डॉक्टर्स सारे वाच करेंगे, सब जगेंगे, अगर ऐसा कुछ पुनरावृत्ति हुई तो उसको तत्काल यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर बेड है, यहाँ पर भी डॉक्टर्स रहेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रहेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर पूरी व्यवस्था अच्छी हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है और यहाँ के प्रशासन की भी है। आप देख रहे, एक तो हालत दुखद है, समाज का वो वर्ग जो हर चीज़ से समाज से अलग है, सोचने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, ऐसे बच्चों के साथ जो घटना हुई है दुखद है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पल पल की, क्षण क्षण की समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसीलिए हम सब वरिष्ठ मंत्री हमारे सम्मानीय कैलाश जी और हम आए हैं, भेंट की है, सभी जिलाधीश महोदय से बात की, कमिश्नर से बात की, डॉक्टरों से बात की और निरंतर संपर्क में है। जब से समाचार मिला है, जिलाधीश महोदय 2 बार वहाँ होके आए हैं, पूरी डॉक्टर की टीम चेकअप कर रही है बच्चों की और रात भर 24 घंटे
हम इस पे वाच करेंगे, निरंतर करेंगे और अभी हम लोग हुई जा रहे हैं और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। पहले जिम्मेदारी सरकार की हम सब की है, बच्चों का इलाज कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधा और इलाज कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। संपर्क में संपर्क पूरी जानकारी दे रहे हैं सर, सीएम साहब को भी देंगे जानकारी। देखिए, जितने भी बच्चों को भर्ती कराया गया था वो सभी बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी डॉक्टरों की टीम लगातार वहाँ पर लगी हुई है। रात में भी 4-5 बच्चों में जैसे ही हल्के फुल्के भी सिम्टम्स उल्टी या दस्त के या फिर अन्य कमजोरी के दिखे तो हम लोगों ने तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया। अभी सुबह भी जो एक नई जो टीम गई उन्होंने नए सिरे से सभी बच्चों का वो किया, चेकअप किया, उसमें से भी कुछ 4-5 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको कमज़ोरी या कुछ दूसरे भी कुछ बीमारियां थी, लेकिन एहतियातन हमने उनको भी अस्पताल में वो किया है, रेफ़र किया है कि अगर उनमें सिम्टम डेवलप होते हैं तत्काल उनका इलाज किया जा सके। हम लोग नज़र लगातार बनाए रखे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर राउंड द क्लॉक है जो लगातार बच्चों का हर आधे घंटे एक घंटे पे चेकअप कर रही है। जितने भी बच्चे हमको ज़रा सा भी थोड़ा बहुत सिम्टम या ऐसी एनोमली दिखती है तत्काल हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज करा रहे हैं। एहतियातन अभी वहाँ पर कोई भी खाना या पानी उस आश्रम का नहीं बच्चों को दिया जा रहा है, बाहर से सोर्स करके हम लोग उनको प्रदान कर रहे हैं। बाकी एक जांच कमेटी बनाई गई है जो आज अपनी मोस्ट प्रॉब्ली इंटरिम रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।